All right, boys. हमें मत देखो। फाइनली जो पूरे दिन से गायब थे वो अब चल कर आ रहे हैं। This is so embarrassing. Oh my god. ज्यादातर सब लड़कियों ने मेरा कुछ ना कुछ एक तो पहना ही होता। दत्ता ने मेरे अच्छे पहने हुए थे। महक ने तो मेरा पूरा घर ही ले लिया था। संयुक्ता मेरी जीन्स पहन के बैठी थी। आई नो तुम लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। ये चैलेंज के बाद करो ना यार। अभी क्यों ले गए मेरे कपड़े? जब आप लोग ये बेवॉच सेशन कर रहे थे, बॉयज वर नॉट जस्ट चिलिंग, दे वर आल्सो वाचिंग यू गर्ल्स डू इट। मुझे लगा था कि यार क्यों देख रहे थे लड़के, इतना फनी और ऑकवर्ड था वो मोमेंट कि बस शर्म के मारे में ऐसे दिखी, शिट ये क्या हो गया। Let's have a description of what sunny things you girls look like right now. Yeah, yes. Please. Mehak just looks like a homeless person. Thank you, ma'am. You look like you went through the trash can and you grabbed everything that you could and you just put it on. Datta looks like the Indian Charlie Chaplin. Myra looks like she's from the barrio. Like, what's up, Ese? And then you look like a hockey player. आप लोग को मजे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस लड़की ने जिस लड़के का नाम लिखा है उसके अगर सबसे ज्यादा आर्टिकल्स कलेक्ट किए होंगे तो वो लड़की जीत जाएगी। जो टॉप 5 लड़कियां होंगी वो कल उन लड़कों के साथ परफॉर्म करेंगी। महक, आपने क्यू कार्ड में नाम लिखा अंशुमन का। उसने मेरा नाम लिखा था? अबे पागल है क्या? तुमको पता तो है मैं और रोशनी आइडियल मैच है, हम दोनों साथ में आगे जाना चाहते हैं, साथ में परफॉर्म करना चाहते हैं। क्यों फालतू में अपनी अड़ंगी डालनी है? अनुष्का ने भी बिजली की रहेगी पहले कबीर का नाम लिखा और काट दिया और फिर लिखा शगुन का नाम। शगुन का नाम। I was very angry, मैं बहुत गुस्सा हो गई थी कि यार मतलब मेरा कनेक्शन है वो तुम उसके साथ बात भी नहीं करती एंड यू आर राइटिंग हिज नेम लाइक हाउ स्टूपिड आर यू। कबीर, द टू गर्ल्स दैट यू हैव समथिंग विद हिस्ट्री और कनेक्शन, उन्होंने तुम्हारा नाम आइडियल मैच में नाम नहीं लिखा और कनेक्शन में नाम नहीं लिखा। अगर ये बहुत अच्छा भी परफॉर्म करती है ना आज तो भी ये तुम्हारे साथ परफॉर्म नहीं करेंगी कल। ये सोच के मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ये लड़कियां कर क्या रही, इनके दिमाग में चल क्या रहा है। सर, वी न्यू मायरा इज आल्सो प्लेइंग फॉर कबीर, तो हमें लगा कि हम लोग तो कबीर के लिए हम अपने में ही फाइट करते रह जाएंगे और सामने वाले अपने अपने बॉयज का कलेक्ट कर लेंगे, तो कल कबीर को अल्टीमेटली एक ही लड़की के साथ परफॉर्म करने के लिए मिलेगा। At least he gets to perform. At least he will get to perform. And boys were always going to be performing. But whoever writes Kabir, even if they have one article, more than others, they'll win. हमने गेम के बाद रियलाइज करा कि ये स्ट्रैटेजी जेन्युइनली बहुत स्टूपिड थी, हमें कबीर के लिए ही लड़ना चाहिए था और वहाँ पे हम दोनों में से कोई भी जीतता तो कम से कम हमारे ग्रुप का ही कोई जीतता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद महक, आपने लिखा अंशुमन का नाम। अंशुमन के कितने कपड़े आपके पास है वो हम गिनेंगे, दैट विल बी योर स्कोर। वी विल स्टार्ट विद अ हैट। ये हैट किसकी है? मेरी। अंशुमन की? जी सर। What is the next thing? Sir, the rose. Rose, जो आपने निकाला वो अंशुमन का परफ्यूम नहीं है। Sir, then shades. Shades, किसके shades हैं? मेरे हैं सर। Yeah, well done. So I don't know, मैं किसी के boxers में हूँ। ये किसका है? मेरा है सर। बात का, इसको यहाँ पे रख दीजिए। फिर अगला। मेरी शांति भंग करती है। That's mine. And कबीर। अंशुमन आपकी है? जी सर। कंग्रेचुलेशंस, को भी वहाँ पर रख दीजिए। स्कोर हो गया 3। मैं बस चाहती थी कि मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूँ टाइम एंड उसको एक पंच मार के गिराऊं और सारे कपड़े ले लूं। अनुष्का, लेट्स स्टार्ट विद अ शर्ट। वो शर्ट किसका है? That's mine.
आपके हाथ में बेल्ट है, किसका है वो बेल्ट पहले वाला? दिस इज कबीर सोलर. नॉट काउंटेड. आई डोंट नो हु इज दिस. दैट्स माइन आई गेस. फाद का है? नॉट काउंटेड. उफ ये अदा. I don't know who this is. ये भी हमारा है सर. अंशुमन का, इसको भी लेफ्ट पे रख दीजिए. तो और क्या है आपके पास? This is the only thing I could make out. It's his. मेरा है सर. और? This is hard. Yeah, that's mine. तो कितने टोटल चीजें आपने कलेक्ट की? Six. और सिक्स में से आपका स्कोर हुआ one. मुझे यही एक्सप्रेस करना था कबीर, आई एम रियली अपसेट विद यू फॉर व्हाट यू डिड यस्टरडे. एंड मुझे नाम नहीं लिखना था आपका, मैंने नहीं लिखा. एट द कॉस्ट ऑफ मी गोइंग होम, यस मे बी. आरुषि दत्ता, आपने चूज किया फहाद को. लेट्स सी कि आपके पास इनका क्या क्या है. फहाद हैट. फहाद आपके हैट 101%. यस यस. फहाद शेड्स. यस करेक्ट. फहाद शूज. यस. These are Shagun's shades. Huh. I don't know whose perfume is this. It's not Fahad. Somebody's pants. I like it. Just keep using it. It's them. Mine. Anshu's shorts. Definitely. And I have 3 pair of socks. I don't know kis kis ki. Black ones. Those are mine. White ones. Mine. And striped ones. ये मेरे. अंशु. Show me a big smiley. आपका स्कोर क्या है? 3. दिल कर रहा था कि जाऊं हग करूं बोलूं. You made it. मतलब she's my fighter, call her my fighter. So बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. This is Shruti. गौरव का नाम लिखा श्रुति ने. Clearly. ये हैट किसका है? मैंने उसे गिफ्ट करी थी तो ये. गौरव का ये हैट है. That is very easy. One. जूते. गौरव. जूते भी गौरव के हैं. ये सॉक्स. ये मेरे हैं. ये मेरा है. मेरा है सारे मेरा. बेल्ट किसका है? गौरव का है ना. बेल्ट माइन. गौरव 3. That is 3 so far. 3 is a good score. शॉर्ट्स. वो मेरा. ये परफ्यूम. It is not Gaurav's. जीन्स. माइन. जीन्स आर कबीर्स. They're so tiny. मुझे लगा तेरी है. तेरी है शे. जो इसने अपनी पहनी हुई है. तो स्कोर 3. और आप कितनी चीजें कलेक्ट करके लाई थी टोटल? 8. स्कोर अभी 3 लोगों के 3 थे. अनुष्का का 1 था. अभी आई वाज होपिंग कि टॉप 5 में आ जाए क्योंकि आई रियली वांट टू परफॉर्म एंड बी सेफ. रोशनी, आप गई अंशुमन के साथ. क्या क्या लेकर आई हैं आप? Shoes. Shoes, correct. Correct. 1 point. Our lumberjack flannel. Anshuman. Yes. Mera hi hai sir. Oh, 2. Ye pata nahi kiski hai, uski nahi hai, par mujhe pata hai. Perfect. You're correct. It's not his. Your total score, Roshni, is 2 points. Arshi Handa, aapne kuch bhi nahi collect kiya. 0 score. Yes. आप डेफिनेटली कल परफॉर्म नहीं करेंगे. मायरा. मायरा, और आप गई कबीर के लिए. Nobody took Kabir's name except me. So I was really sure के भाई मैं एक भी कपड़ा उठा लूंगी ना कबीर का, तो यहाँ पे ये गेम मेरा. Let's start counting. हैट किसका है? मेरा. 1. 1. Shades. मेरे. 2. 2. जूते तो मुझे ही पता है कबीर के हैं. 3. 3. And that one's Fahad, I think. That's mine. ये किसका है? मेरा. 4. 4. Somebody who said that she doesn't have a lot of friends, a lot of friends sure did help this smallest one here. So I was like, तो मेरा मूड खराब है ऊपर से ये छिपकली. Very stupid, tiny. Even she is keeping an eye on Kabir. So I was like, not today, यार. आपने चॉइस ली कल. आपने कलेक्ट किए 4 चीजें. It's the highest so far.
Wow. That's amazing, Myra. Myra? I had to perform with Myra. Why, Anushka? Why did you do that? Samyukta, aapne naam likha. Shagun ka. Ye Shagun ka hai. Yes, sir. One. ये शगुन का है जूते yes. Yes. Two. ये पता नहीं Mine. ये पता नहीं किसका है ये अंशुमन का है ये पता नहीं ये पता नहीं किसका है ये मेरी है और एक सॉक है ये मेरा है भाई मैंने जो सॉक दिखाए थे वो किसके लिए फिर लास्ट के एक्साइटमेंट में जो सॉक्स नीचे पड़ा था वो मैं लेके आ गई थी और वो श्रुति का था मेरा मतलब मैं थोड़ा स्टूपिड हो गई थी वहां पे द स्कोर इज 3-1-3-3-2-0-4-2 आप किस तरह जा रही हैं कबीर कबीर और मायरा वहां पर जाकर खड़े हो जाए कत्ता फहद फहद हांडा आप इधर आ जाइए और अनुष्का आप इधर आ जाइए बिकॉज आप दोनों तो बॉटम में है ही श्रुति आप किसे जा रही हैं गौरव गौरव चार लड़कियां तो है ही हैं जो कल परफॉर्म कर रही हैं महक आरशी दत्ता श्रुति एंड मायरा अब डिसीजन था कि संयुक्ता परफॉर्म करेगी या रोशनी अंशुमन दो लड़कियों ने आपका नाम लिखा उसमें से एक के थ्री हैं, so obviously she will. महक, आपके कितने हैं? थ्री सर. अंशुमन, उस टाइम. अंशुमन के साथ परफॉर्म करने महक को मिला, मैं सीधे-सीधे डेंजर ज़ोन में चली गई. शगुन, you are going to be performing with Samyukta. Well done. हम जीत चुके थे. मैं भी परफॉर्म कर रही थी, श्रुति परफॉर्म कर रही थी, बाकियों की मुझे पड़ी नहीं थी, and I was like, अभी मारनी है अभी. ओवर एनालाइजिंग का फायदा देखा आपने अदर्स हैव जस्ट गॉन विद द पीपल दे लाइक्ड जिसमें आपने प्रॉब्लम की वही एक किसी और के साथ खड़ी कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि महक हैशटैग खेल गई थी क्योंकि स्ट्रेटजी फेल होने के बावजूद शी वाज सेफ एंड अनुष्का वाज द वन जो डेंजर में थी ओके आई एम जस्ट नॉट गोना से एनीथिंग नो नो से नो इट्स अनुष्का से हमारी बात हुई थी कबीर और मेरी A day before, he was so stubborn. He's like, whatever happens, I'm not going to the Oracle with Mehak. Whatever happens. And I don't know, yesterday, he didn't say like no or like, I don't want to go. I said no. So you feel betrayed. Mirko, aisa lagta hai, you actually like him. I do. And he's playing whatever is good for him for the game. So I apologize to her because I genuinely feel jo kal hua it was very sudden made a mistake and I'm genuinely sorry about it and I like I said in the morning I will do whatever it takes but it's not going to change anything Kabir I'm clearly upset pal ek pal main hi tham sa gaya that's the reason I told you that I want to fix things between us and I'm going to do everything in three that days, look I wore a t-shirt for you you know today trust man bad so in other words you really really care for Kabir I don't know I mean just my interest is gone in the game I just don't want to play anymore so please can I कारी कारी सोनी अखियां कैसे वो मन की बतियां Why are you crying, Shruti? Because sir, मुझे पता है she really likes Kabir. हमारी fight चल रही है, but I know that she really likes Kabir. Anushka, yeah, you really like him. I mean, I like him. He knows it. Whatever it is,
he knows, and that's all that matters to me. उसके बावजूद मेरे को पता है मैंने गलत किया. But क्यों किया? मैंने Why do it? It was very sudden, and I realized what had happened, and I went completely numb, and I regretted. And honestly, priorities काफी change हो जाती हैं. I still want to win the game, but it's only gonna be with her. And I'm still saying that. और मैं क्या करेंगी? I'm sorry, Mac. I no hard feelings, but don't be. मुझे समझ नहीं आया कि कबीर क्या चाह रहे हैं. लेकिन चाहे मैं कबीर से कितना भी over हो चुकी हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा awkward है उन दोनों को एक साथ देखना है. मैं भी बहुत अपसेट था, अनुष्का भी बहुत अपसेट थी. वाज अ वेरी इमोशनल टाइम जो फेस करा था. एंड क्या बोलूं, इट वाज अ बैड डे. जब विला वापस आए मैं बहुत अपसेट था. दोनों ने ही मेरा नाम लिख के जो काटा था, आई फेल्ट रियली रियली बैड. ही इज क्राइंग. आई एम नॉट क्राइंग यार, पागल है. यू क्राइंग? आई कैन सी योर टीयर्स. नहीं भाई, डोंट. पागल है क्या? तो यहाँ तक अपनी मेहनत से आया ना. अब जो हुआ ठीक है, जैसा होना था, we can't change it. I don't know what's going through their head, and I don't even know what they were trying to do. I was really disappointed. Right now, I am putting in so much effort to understand them. And you're saying, and both of them are not caring about what am I going through. Relax, yeah. Nobody is understanding. That is just too much pressure for me to take it as well. And they need to understand that I'm respecting their relationship, but they need to respect my feelings as well. Because even I had a long past with him, and to be able to see him with another girl, and I'm being so supportive, they should at least acknowledge that. That's my only concern. अगर अनुष्का एज अ फ्रेंड ये नहीं देख सकती कि मैं कितना एफर्ट पुट इन कर रही हूँ उन दोनों को सपोर्ट करने के लिए, तो मैं क्यों ये चीज़ सोचूं कि अनुष्का को आगे गेम में इनसिक्योरिटी हो सकती है मुझसे. तो उधर जाकर मेरे को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था कि आज मैंने कबीर का नाम क्यू कार्ड पे क्यों नहीं लिखा. एक खुशी का मौका तो यही था कि हम जीत गए थे अरुषियो में, और उसके बाद सडनली एक स्क्रॉल आता है. और सब दौड़ रहे हैं स्क्रॉल के पीछे कि आज मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या है, व्हाई पीपल आर लाइक यू नो रनिंग आफ्टर द स्क्रॉल टुडे. हेलो स्प्लिट्स विलेन, हेलो. हियर्स अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम डोमिनोज पिज़्ज़ा. एंजॉय ऑल द न्यू डोमिनोज पिज़्ज़ा, दे आर सो यमी एंड चीज़ी. गाइस, I've really missed this. Pizza खा. खाया था. विला में पिज़्ज़ा खाने को मिला था, like एक पार्टी हो गई थी. Pizza for you as well. You got your pizzas finally. Yeah. You feeling fine? Yeah, yeah. And I purposely didn't like. I wrote your name and then I was like, no, I'm not gonna go with that. Why is that? Because there was a pact between Mehak and I. What pact? You know the way Mehak was talking was like मैं उसको 3 साल से जानती हूँ, 3 साल से जानती हूँ. उसने मुझे पूरा डरा के रख दिया था एक तरीके से. She's like मेरे को सब मालूम है मेरे. And then I didn't want to get to a point where it would have been like oh she knows him better. You shouldn't have. And I was really disappointed by the things that I got to listen to. They at least took an effort. You didn't even do anything. Yeah, because I'm telling you my interest is done with. My interest in people here is done with, and anything to do with this game is done with. So is mine. I'm literally mine. But listen to me. I'm sick of this too. Okay. And please, like, I don't know what to say to you. And don't say anything. It's fine. Hello. आज आप 5 कपल्स में से जो 3 कपल्स जीतेंगे वो सेफ हो जाएंगे. अगर आइडियल मैचेस बॉटम 2 में से हैं, आपके साथ क्या होगा ये आपको 2 में पता चलेगा. बेस्ट केस सिनेरियो टॉप 3 में आ जाओ. आज का जो टेस्ट बॉन्ड चैलेंज है उसका नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है सनी. Called Splash and Lash. Splash and Lash.
brought to you by Vega Hair Styling Appliances. Now, splash or lash, हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे and we were thinking what this, you know, challenge is going to be about. Splash and lash. काफी splashing होने वाली है और lashing तो आप लोग करते ही हो एक दूसरे पे. Yeah, seriously. होगा क्या कि पहले लड़कियों ने एक जैकेट पहना होगा, उस जैकेट के ऊपर स्पंज होगा, डिप करेंगे उसमें कुछ पानी अब्सॉर्ब हो जाएगा, फिर आप बाहर आएंगे. से फॉर एग्जाम्पल सनी इज द गर्ल और मैं खड़ा हूँ, सनी आके एक टब में खड़ी हो जाएगी. Yeah, I'm in the tub, so okay. So you're in the tub. I'll come close to you and then squish and then squish and then squish, 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 squish. All right. जितना भी पानी आपने अपने जैकेट में इकट्ठा किया है, मैक्सिमम पानी उस बारी में उस टब के अंदर निकालना है विद द हेल्प ऑफ द बॉय. बॉयज आपके हाथ जैसे मेरे हाथ थे, कुछ नहीं करेंगे. यू विल बी स्टैंडिंग देयर, यू आर एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट जिसके अगेंस्ट लड़कियां उस पंच को दबाकर पानी अपने टब के अंदर इकट्ठा करेंगी. जब भी लड़के को लगे कि ये पानी काफी है, ही विल पिक दैट टब और एक लाइन के पीछे से अपने सामने लगे हुए जो 5 बोर्ड्स हैं स्प्लैश करना. जब आप स्प्लैश करेंगे, हर बोर्ड पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है आप दोनों में से एक के बारे में. Whatever is written there, आप लोगों को गेस करना है कि किसने लिखा है. You never know, आपकी पीठ पीछे कौन आपको क्या बोले. आपके पास 5 बोर्ड्स हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स जो आप जीत सकते हैं वो है 5. एंड में भी देखेंगे किसके ज्यादा आंसर सही हैं. अगर दो लोगों में टाई हुआ तो हम ये देखेंगे कि उन दोनों में से 5th बोर्ड पर पहले कौन पहुंचा था. But I want to know, how does Roshni feel about Mahek squeezing on Anshuman? And same thing with Anushka. You're good with little squish action? Yeah, it's Myra, it's fine. It's good. You should just tell Myra, get your squish on. मेरा तो चलो कोई कनेक्शन ही नहीं, मगर मेरे साथ में जो दो लड़कियां खड़ी होने वाली थी उनको आज बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी, क्योंकि दूसरी लड़कियां उनके कनेक्शन के पास आएंगी और वो बहुत नज़दीक जाने वाली है उन लड़कों के एंड आग लगने वाली है. वंस अगेन कबीर एंड मायरा आर गोना बी क्लोज. आई एम गोना बी विटनेसिंग दिस अगेन. पहले तो मुझे गुस्सा आ रहा था महक पे, क्योंकि एक तो ये स्क्वीश वाला टास्क था, ये मुझे करना चाहिए था और वो ये महक कर रही थी. ऑलराइट गर्ल्स, गेट रेडी, वेयर द जैकेट. बॉयज टेक योर पोजीशंस, लेट्स गो. Right? Yes, sir. Ready? Yes, sir. 3, 2, 1, go. Go, Nitha. Give up, bud. Go, 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 go. Come on. Baby, you just like a face. मैंने सोक किया जितना पानी कर सकती थी, वापस आई. Get squishy. It's too heavy for her. Poor thing. खुद को निचोड़ना था लेकिन हाथ यूज नहीं करने थे. लड़कों को कसकर दबाकर स्क्वीज करके पानी निकालना था. तो इट वॉज अ वेरी क्लोज वाला टास्क. Anshuman just is having way too much fun. क्या कर रहा है Anshuman? What are you doing? किधर खड़े हो? क्या कर रहा है Anshuman? बहुत हल्के हैं तो उनको तो मैं गोदी में उठा उठा के स्क्वीज कर रही थी. Anshuman की हड्डी पसरी एक हो चुकी है. काफी फनी लग रहा था बट काफी क्यूट लग रहा था, बट महक को देख के उतना ही गुस्सा आ रहा था मुझे. मारू? मार मार मार, ध्यान से मारियो. एक पकड़.
मेरे को तो सबसे ज्यादा था कि डिस देखने मुझे मेरे बारे में क्या क्या लिखा होने वाला है बोर्ड्स के ऊपर। अच्छे से मार, अच्छे से। जैसे ही मैंने पानी फेंका, ऐसी हवा चली कि एक पानी का बूंद भी उस बोर्ड पे नहीं लगा। एक बूंद। अरे हो गया, तू आगे गेस कर, आगे गेस कर। It's not, we can't read what is written. I can. सबसे पहले डिस आया, लिखा होता fake as. तू गेस कर, जल्दी हो गए थोड़ा। मेरे तो ऑलरेडी बहुत सारे चाहने वाले हैं स्पेसिला के अंदर। मैंने काफी ऑप्शन सोचे और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये रोशनी ने लिखा होगा, तो मैंने रोशनी का नाम क्यू कार्ड पे लिख दिया। Shogun's like, let me take my pants off, baby. Oh my God, he took his pants off. मैं इतनी humiliate हो गई थी, embarrassed हो चुकी थी कि Shogun आपने pant क्यों निकाला? कच्ची सुपारी में रंग लगी बाहर तो जापानी में। भाई please कपड़े पहन ले, एहसान कर दे। मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगी, तू बस कपड़े पहन ले। जो देखने लायक चीजें थी वो भी देखने लायक नहीं छोड़ी थी। वो बोल रहा था कि पानी पूरा पैंट में ही जा रहा है तो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने पैंट उतार दिया। फिर रन सर ने बोल दिया कि पैंट पहन ले शगुन, बहुत गंदा दिख रहा है। अंशुमन थोड़ा पानी ज्यादा ले, पानी ज्यादा लो। हाँ पानी ज्यादा लेके घर पर जा रहा है, अभी करता हूँ मैं। टेंशन नॉट बेबी, कम ऑन। और जस्ट नाइस, ओके, गॉट इट। I can read whatever is written. Yeah, but you have to write the answer. Nobody cares. किससे लिखा होगा ये? जब गैस करने वाली बारी आ रही थी तो मायरा बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही थी, वो बहुत ही कंफ्यूज थी खुद से ही। तो मैंने सोचा मैं ही लिख देता हूँ जो मेरे दिमाग में मेरे को ठीक लग रहा है, मैं ही लिखते जा रहा था। गौरव आर्य, आप सब थर्ड फोर्थ पे पहुँच गए हैं। I think I have it. जल्दी आ, जल्दी आ। इतनी गर्मी में पानी में लेट रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैं ना इस देख रही हूँ गौरव मैं आऊँ क्या या मैं इधर ही रह जाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब ये देख देख के साइड में कहीं ना कहीं हंस भी रहते कि ये लड़की कर क्या रही है। गाय नहीं होती गर्मी में पानी में जाके लेट जाती है। मैं आई वाज फीलिंग लाइक दैट, आई वाज लाइक मैं पूरी जिंदगी यहाँ निकाल सकती हूँ। आजा 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 आजा, तुम्हारा आधा पानी नीचे गिर रहा है। किसने लिखा है? It could be Kabir. No. Either it's Kabir or it's not Fahad. It's Kabir. No wait, I think it's Mehak. Have a feeling. Okay, I never call someone. हमारा guessing चल रहा था, मैंने कहा कबीर ने लिखा है, फिर तो कहता नहीं नहीं कबीर won't call me अब, यार कबीर तो मुझे और बड़ी चीजें बोलेगा, बोला था दिल्ली दिखाऊंगा, ये तो नहीं बुलाएगा। गौरव जल्दी लिख दे। उसने बोला आरुषि दत्ता ने लिखा होगा, तो मैंने कहा हाँ आरुषि दत्ता ने लिखा होगा, हमने लिख दिया आरुषि दत्ता। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। हाथी के दांत तो नेशन लिख लिया आपके लिए। हाँ नाम नीचे लिखा भी है। गेस कैसे करूं कि किसने बोला है, क्योंकि कभी भी लोगों ने मुझे मुंह पे गाली दी नहीं है, तो मुझे पता नहीं है लोग मेरे बारे में सोचते क्या है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। कितनी बारी बोलेगा ये? टाइम मत वेस्ट करो। अरे लेकिन नाम तो लिखना ही पड़ेगा। उसको लग रहा है कोई यहाँ पे मुड़के बोलेगा मैंने लिखा है। This is human nature. अगर आपकी लिखी हुई चीज, आपकी बोली हुई चीज कोई और दूसरा बोलता है तो यू टेंड टू लुक एट हिम। पर किसी कुत्ते के बच्चे ने मेरी तरफ पलट के नहीं देखा सही से। गौरव श्रुति ने देखा इधर से उधर, आई वाज कन्विंस्ड। मैंने श्रुति का नाम लिख दिया क्योंकि मुझे लगा श्रुति ने बोला होगा। आर यू गोइंग फॉर द थर्ड? कम ऑन कबीर। ये कहां से
फहद अब ऑलरेडी अपने चौथे बोर्ड पे पहुंच चुका है. वेल डन फहद. इस चैलेंज के अंदर भी आई थिंक हम दोनों ने अपना 100% दिया. एक्चुअली हम तुक्के मार रहे थे क्योंकि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कौन सा डिस्क किसके लिए किसने लिखा है. तो हम लोग एक वाइल्ड गेसेस कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे. Shagun is also on the fourth board. जल्दी से जल्दी हमने चौथा बोर्ड खोला और चौथा बोर्ड पे लिखा था The world will be just hid if you don't intervene. इतनी अंग्रेजी किसको आती है यहाँ पे? The world will be just क्या? Fine. मैंने जैसे ही बोर्ड देखा मैंने बोला ये अनुष्का ने लिखा है. ये अनुष्का इतना इंग्लिश वही लिख सकती है. अनुष्का इतना इंग्लिश वही लिखती है क्योंकि अनुष्का का इंग्लिश सबसे अच्छा है. कबीर फोर्थ बोर्ड की तरफ जा रहा है. Shagun is also on the fifth board. Shagun and Sam are almost done, you guys. Catch up. Shagun and Fahad fourth और fifth board पे हैं अपने. It's not easy to do it और सबसे ज़्यादा pressure जब बढ़ रहा है कि बाकी लोग आपके आगे हैं. ऊपर से इतनी गंदी गंदी चीज़ें अपने बारे में पढ़ो. ऊपर से guess भी करो. मतलब दुनिया भर का pressure हमारे ऊपर था उस वक्त. Come on, guys. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. गधों के सिर पे सींग नहीं होते. सिर पे सींग नहीं होते. तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद श्रुति लिख सकती है ये. किसने बोला इसको कि हम सब नहीं है जट सही. I had no idea कौन लिख सकता है ये. तो I was like okay हिंदी में लिखा है. Just saying use किया है. तो just saying बहुत ज़्यादा दत्ता use करती है. मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया था फहद क्योंकि वो मुझे बोल रहे थे कि वो समझ नहीं पा रहे कि वो मेरे लिए क्या बुराई लिखे. स्टॉप थिंकिंग एक्स्ट्रा यू कांट प्ले मे. सो डन सो डन. Shagun एंड सैम आर डन. इतने टाइम में कि हम हमारा नाम डिसाइड करते शगुन और संयुक्ता ने अपना चैलेंज जो था वो कंप्लीट कर लिया. हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि हम सोचेंगे किसने लिखा है. हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम सबसे पहले खत्म करेंगे. अंशुमन क्या लिखा है? आर वी स्टिल क्लियरली योर प्रायोरिटीज क्वेश्चन मार्क. मुझे पता है किसने लिखा है. थिंक द विन स्टॉप गो. चल कबीर. नाइस यार. We don't need any more water. It's okay. Anshuman, kisi ka bhi naam likh de. Write anybody's name. Starting se likh de. They have completed this. Kabir, think and write. Please think and. You have no idea what's happening around here. Against you, wake up. जो अंदर ही अंदर इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा इतना बढ़िया डिस दिया है ना. I have an ability that I can see people. Through and through. उस वजह से मुझे पता था कि किसने मेरे बारे में क्या लिखा है, क्या सोचता है. We're done. Tiny little mousy Myra's done. अनुष्का, और first भी मेरे को नहीं पता हमारी टीम को नहीं लिखेगी. अरे कुछ तो लिखना ही था ना यार. उसको कैसी बात करी है मैं. Has to be a diss board. गौरव जल्दी. Last board है, fifth board है and उसपे कुछ बहुत ही बड़ा मैसेज लिखा है. तो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया. थोड़ा थोड़ा उड़ाया पानी. जितना हट सका उतना उठाया. हमने पानी फेंका आधे में. जो दो चार शब्द दिखे उस हिसाब से हमने गेस कर दिया. वो मेरे को आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट. लास्ट वाला लिखते आई एम होपिंग एंड आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि हमारे गेसेस सही हो. सारे कपल्स का चैलेंज कंप्लीट हो चुका था. हम सबसे लास्ट रह गए थे. इट इज वार्डरोब. हु द प्रिटन आई नीड टू अपग्रेड माय वार्डरोब. यार ये ड्रामेटिक बाद में हो ना प्लीज. पता चलेगा जाके हम ड्रामेटिक होने वाले हैं. इससे पहले मत यार वार्डरोब. और उस टाइम पर भी अंशुमन ड्रामेटिक होना नहीं छोड़ रहे थे. वो यहाँ पर अभी भी तुम ड्रामे ज्यादा कर रहे हो और गेस्ट करने में कम ध्यान दे रहे हो. ऑलराइट डन. सनी और मैंने नोटिस किया कि लड़कियां बाय द एंड ऑफ इट वर एंजॉयिंग गोइंग टू द रिवर. एंड दे वर लाइक ला ला. कैन आई जस्ट डू मायरा. या या यू डू मायरा. मायरा इन द वाटर. I was dying laughing. Excuse me. Let's start with Datta and Fahad. Yes, sir. Fake. Fake as Roshni ne likha mujhe laga. Shruti.
श्रुति फेक, क्योंकि शी इज फेक। हमारी बातें उधर जाके बताती है, उधर की बातें इधर आके बताती है। कुछ अलग ही उसकी मतलब पर्सनालिटीज हैं हर इंसान के साथ, एंड आई थिंक इट्स वेरी फेक। सेकंड था, गधों के सर पे सींग नहीं होते। तो मुझे लगा सिंपल सा कुछ ऐसे नहीं लिखा है, गधों के सर पर सींग नहीं होते, वो शगुन ने लिखा होगा। ये किसने लिखा था? अरे गधे, गधा तू है सबसे बड़ा, इतना घटिया है तू, गटर से निकला हुआ है। आते साथ अपनी फ्रेंड की उसने इतनी पर्सनल चीजें पब्लिक कर दी ताकि उसे अटेंशन मिल सके। खुद को देख बे, तू जानवरों से भी नीचे बे। क्यों लिखा आपने? आई थिंक ही इज नॉट प्लेइंग हिज ओन गेम। किसका गेम खेल रहे हैं? कबीर का गेम खेल रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। गेम क्या? कबीर के नहीं, कैसे कैसे सोच रहे? दत्ता समझाएगी। दत्ता तो रहने दे। मुझे बहुत गुस्सा आया गौरव के ऊपर, नहीं फहाद के ऊपर, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि गौरव लिखेगा तुम्हारे लिए ये। गौरव और श्रुति मैनिपुलेटिव। जिसने भी लिखा था, it was very stupid of them to write it. किसने लिखा था ये? Oh, you really think? Absolutely, sir. ये गौरव के लिए लिखा? हाँ। Not Shruti. No. वो famous है विला में manipulation करने में, तो manipulative सब कहते हैं उसे। मायरा और कबीर का एक पढ़ते हैं। Selfish, insecure. हाँ, उसके बाद यूजिंग गौरव टू बी इन द लाइमलाइट। आउच, कबीर की शक्ल देखने वाली थी, वो फुक गया था ये सुन के। एंड अनुष्का को वहां बुरा लगा था कि कितना बुरा लिखा है कबीर के बारे में, बट सच तो सच है। Well, I think he's the one who's using me to get in the limelight. He's the wild card entry and the highlight of this show. आप जानना चाहते हैं कि असली में किसने लिखा था ये? श्रुति ने लिखा है। वाओ श्रुति, वे टू मेक इट ऑब्वियस। व्हाट अ बैड प्लेयर, व्हाट अ बैड प्लेयर। दे गॉट 1.2 बट आई वांटेड टू से इट सो आई सेड इट। आई थिंक श्रुति नीड्स टू गेट सम सेंस। गौरव है कौन? शक्ल देखिए उसकी। लुक एट मी, लुक एट हिम। माय गॉड, बिन पैंदे का लोटा, ना इधर की ना उधर की। ये आपके लिए लिखा है मायरा, और ये एक्चुअली लिखा किसने आप जानना चाहते हैं? किसने लिखा? दो लोगों ने लिखा है। बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि भाई तुमसे क्या मतलब, मेरी मर्जी, मैं किसी की भी साइड जाऊं। इट्स माय विश, माय गेम, नन ऑफ योर बिजनेस। कगुन एंड संयुक्ता, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे हुई? 24 घंटे करता रहता लेकिन टास्क एक नहीं जीता। आपको क्या लगा किससे लिखा है? I had no idea कौन लिख सकता है ये। फहद शायद, फहद। और लिखा किसने था? आज जीतूंगा। आज जीतूंगा। दत्ता एंड फहद, ये कहां से आ गया यंगस्टर्स के शो पे? फहद को ऑफ कोर्स बहुत हर्ट हुआ क्योंकि उनकी एज के ऊपर कमेंट किया गया। कौन है ये? ये कहां से आ गया यंगस्टर्स के शो? आई थिंक शगुन, शगुन। एक मिनट रुक जाओ। नहीं, अच्छा वो कल ही पैदा हुआ है। आई टोल्ड यू दिस, कहां से आ गया शो पे? अंशुमन ने लिखा होगा। ओह माय गॉड, आउच। इससे कहते हैं डस अंशुमन। पिछले टास्क में तो पता नहीं वो क्या कर रहा था। आई वाज लाइक अंशुमन तूने क्या बेइज्जती की है फहद की। अभी तक तो उसको पिल्ला ही बोला जा रहा था, अब उसको बूढ़ा भी बोल दिया गया। गौरव एंड श्रुति, कौन सा कमेंट आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? आई थिंक जो लास्ट वाला कमेंट था बिल्कुल क्लियर नहीं था, बट आई थिंक वी गेस्ड इट राइट। यू नो देयर आर सो मेनी बैड वर्ड्स इन दिस। टू मेनी बैड वर्ड्स। आई एक्चुअली डोंट वांट टू रीड दिस। दो दिन में सबके बारे में बड़ा बुरा बोलता है रोहन का सब्स्टिट्यूट। श्रुतिज लॉस्ट एंड फाउंड, शेट द वर्ड फ्रॉम सी दैट एवरीबडी लव्स, and ha ha ha, kaisi bhasha hai, kaisi। The moment I read that, mujhe pata tha ki itni vahiyat bhasha mein ek hi insaan likh sakta hai। Aapke hisab se kisne likha tha? Fahad, pata hai gandgi kahan se aa rahi ho? That's okay, tumhare reply jo gand tumne machayi hai na do din mein,
कितना ऑब्वियस कर रहे हैं तूने सारे। तुम नोना के गेस का गेम होगा यार। गौरव, उसके लिए लिखा था मैंने, क्योंकि उसकी हरकतें जो हैं शुरू से विला में वो ऐसे ही हैं, तो वो समझ गया कि जो मेरी औकात है वो यही है और जो फहद ने बताई थी वो सही बताई थी और ये वही है। सब सबसे बुरा तो मुझे आई एम ओवर यू मुझे लगा अंशुमन ने लिखा है। क्या आई एम स्टिल नॉट ओवर यू। ओ माय गॉड रोशनी, सुन रही हो तुम, देख रही हो, तुम्हारा लड़का अभी भी ट्रैक पे नहीं है। वो लिखा आपके लिए था श्रुति, गौरव के लिए लिखा गया है और अनुष्का ने लिखा था। नहीं, श्रुति के लिए लिखा है वो। यू नॉट ओवर गौरव। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने जैसे ही बोला आई एम ओवर यू, अनुष्का ने लिखा है आपके लिए, आप भी घबरा गए, अनुष्का ने भी मुझे रोक दिया। इट वॉज रिटन फॉर श्रुति। कबीर, क्लियरली शी इज नॉट ओवर हिम, स्टिल देयर। आज तो मौसम भी अच्छा सर। ओ आज मौसम अंशुमन एंड महक जी सर, कोई कमेंट खराब लगा सर? मेरे लिए तो काफी ऑब्वियस आए थे। हैज एन अनोइंग वॉइस, शुड कीप हर माउथ शट, बिगर बिम्बो देन मायरा। अरे दो ये मुझे पता है, ये मुझे पता है क्यों लिखा। आई नो व्हाई इट्स रिटन, आई डोंट नो हु हैज रिटन दिस। एक ही डिस में दो दो लोगों की बेइज्जती है, मायरा की भी और महक की। आपको क्या लगा था किसने लिखा है? सर संयुक्ता। मैंने नहीं लिखा, तो लिखा है। मुझे पता है क्यों लिखा है। श्रुति, आई हेट यू। श्रुति, आई हेट यू। I was really shocked because श्रुति और मेरी कभी किसी बात पे वन टू वन लड़ाई हुई नहीं है, तो उन्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं। बट ठीक है श्रुति, आगे देखेंगे। She is a bigger bimbo than Myra. मुझे अंदर से जो खुशी हुई थी ना ये लिख के, मैं जता नहीं सकती हूँ। ये एक तीर से दो निशाने हो गए। Okay, Shagun and Sam, सबसे बुरा कमेंट क्या था? The world will just be fine if you keep your mouth shut. Don't intervene. If you don't intervene, the world will. Yeah, I knew it was Anushka. Yeah. I have written Anushka. Anushka. Sadhi angrezi aur kisi ko nahi aati. मुझे इतना surety था कि अनुष्का का है, तो मैंने अनुष्का का नाम लिख दिया। मायरा और कबीर, आपके लिए किसी ने वही जो पहले वाला comment था वैसे ही कुछ आया है। I need to gift her some sense. मैंने लिखा है। ठीक ही लिखा था मायरा के लिए। मायरा को बहुत जरूरत है सेंस की, क्योंकि उसमें काफी कम है। अंशुमन एंड महक, महक ये शायद आपके लिए। योर वॉइस इज लाइक एसिड इन आवर इयर्स, लिखा है आंडा ने। ओह नागिन, आंडा को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मेरे से क्यों फाइट पिकअप करना चाहते हैं, चीज मुझे समझ नहीं आई। अंशुमन आपके लिए, ब्रो यू नीड टू अपग्रेड योर वार्डरोब। जिसने भी वो लिखा था, मन कर रहा था उसको चांटे मार मार के उसका गाल लाल कर दूं। आपने बोला कि अनुष्का ने आपके बारे में ऐसा लिखा है। हाँ सर, कबीर ने लिखा था। ब्रो तू खुद तो सारे लाल 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 कपड़े पहनता है और तू मेरे वार्डरोब पे उंगली उठा रहा है। वो बहुत ही अतरंगी किस्म के कपड़े पहनता है जो अलग से ही दिखते हैं। बेसिकली इज अ फैशन डिजास्टर टू बी ऑनेस्ट। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं आइडिया हो गया कि आपका क्या स्कोर है। हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू थिंक यू गॉट? जीरो। दत्ता, यू आर राइट दिस टाइम, इट इज जीरो। अंशुमन एंड महक, हाउ मेनी? जीरो। यू आर राइट, जीरो। हमारे सारे आंसर्स गलत थे। जो मुझे लग रहा था कि वो लोग हैं, अगर मैंने उनके नाम लिखे होते तो आई थिंक हमें दो तीन तो पॉइंट्स मिल गए होते। मायरा एंड कबीर, वन। यू आर रॉन्ग, टू। यू गॉट टू। एंड वी वर रियली शॉक्ड कि हमने एक्चुअली दो आंसर्स करेक्ट दिए हैं, व्हिच वी डिड नॉट एक्सपेक्ट। सैम एंड शगुन, यू गॉट टू। गौरव एंड श्रुति, आपका स्कोर है सिर्फ एक, व्हिच मींस टू टू और एक की वजह से आप लोग टॉप थ्री में हो। सर पहली बार जीते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमें डोम में सेफ बैठने को मिलेगा। लकीली मेरे दो आंसर्स करेक्ट थे एंड आई वन द टास्क। गर्ल्स गो बैक टू द विला। और आज जब आप लोग डोम के लिए तैयार हो रही होंगी, यू विल गेट द वेगा हेयर स्टाइलिंग अप्लायंसेस। मेक श्योर यू लुक ग्लैमरस, वेरी ग्लैमरस। ओके, आप तीन कपल्स आज जीत गए हो, कांग्रेचुलेशंस। बाकी सोच लो क्या होगा तुम्हारे साथ।
सबसे ज्यादा दुख मुझे इस चीज का लग रहा था कि अगर मैं आज मायरा से पहले चली गई घर तो वो बेइज्जती की बात है। अंशुमन भी अनसेफ है क्योंकि वो टास्क खा रहे थे और मैं भी डेंजर जोन में थी। आई वाज जस्ट लाइक मुझे अंशुमन को छोड़ के घर नहीं जाना। दिमाग के अंदर इतनी टेंशन थी, मुझे था कि बेटा आज तू बैग पैक कर ले, डेफिनेटली तेरा नाम आने वाला है क्योंकि स्प्लिट्सविला वुड नेवर लीव अ चांस टू किक यू आउट ऑफ स्प्लिट्सविला।